छुटकारा हासिल करने के लिए तेरी बारगाह में इस वक्त हाथों को मैं करीम इफ्तार के लिए बस लेते जाओ मच रहा है क्या हाशिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। अफ्तारी का टाइम होने चला था तो मैंने सोचा कि पकौड़े की तैयारी कर ली जाए, क्योंकि गैस ने आज बहुत शदीद हमें तंग कर दिया था। गैस जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल से 3:30 बजे आई थी, तो मैंने कहा फटाफट, इसका कोई पता नहीं कि ये चली जाएगी। मैंने फटाफट जो है पकौड़ों की तैयारी करना शुरू कर दी। अब्बू ने जो है वो तमाम लवाजमात जो हैं वो मुझे तैयार करके दे दिए थे। अब्बू ने जो है कटिंग कर दी, पालक कट कर दिया और आलू भी कट कर दिया। ये मुझे थोड़ी सी चटनी बनानी थी, तो मैंने धनिया और पुदीना भी ले लिया था, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको भी बना लेती हूँ ताकि मैं चटनी पीसने में आसानी हो जाए। अबू जो है प्याज भी कट कर रहे थे, आलू भी काट के दे रहे थे ताकि मैं मसाला जो है पकोड़ों का है जल्दी से तैयार कर लूँ, ताकि गैस का बहुत इशू है तो गैस के रहते ही हम सब कुछ कर लें। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम बहुत परेशान हुए आज गैस की वजह से। तो अबू जो हैं पालक कट कर रहे थे, साथ साथ आलू प्याज, और मैंने जो है वो ब्लैक वाले चने बनाने थे, तो मैंने सोचा कि अबू से जो है टमाटर भी कटवा लेती हूँ, प्याज भी कटवा लेती हूँ, कि ये है कि फिर फटाफट से अगर चीज़ें कटिंग हुई भी होती हैं तो फटाफट से तैयारी हो जाती है और पका लेता है इंसान। तो मैंने साथ साथ जो है धनिया पुदीना मैं बनाती भी जा रही थी, साथ में मैं वीडियो शूट भी करती जा रही थी। तो गाइज़ आप लोगों ने अफ्तारी में क्या क्या बनाया तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आप लोगों का जो है आज की अफ्तारी कैसी रही। हमारी तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रही, रोज़ा बिल्कुल भी हमें फ़ील तक नहीं हुआ, जबकि हम तमाम काम करते रहे। माशाल्लाह से ठंडे रोज़े हैं तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। और मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं और पहली दफ़ा देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। ये आप लोग की तरफ से मेरे लिए छोटा सा गिफ्ट है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो है वीडियो का बेल जो है वो ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज आप कैसे हैं? तो आप लोगों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक होगा। तो आज रमज़ान का पहला दिन है, आप सब कैसे हैं? तो गाइस मैंने भी रोज़ा रखा है, मेरी मम्मा ने भी रखा है, हम सब ने रखा है। तो अभी मैं मदरसे जा रही हूँ रेडी होके, और मेरा भाई भी मदरसे जा रहे हैं। तो गाइज़ मैंने चने जो हैं वो फटाफट से, जैसे ही गैस आई तो मैंने चने जो है वो बॉयलिंग के लिए चढ़ा दिए थे। इसके ऊपर जो थोड़ा बहुत झाग आता है वो मैं रिमूव कर देती हूँ। तो चलते हैं अब बैटर की तरफ। मैंने जो है सब्ज़ी ये थोड़ा सा कट करके रखा था, पालक आलू ये सब मैंने जो है धो के बिल्कुल फ्रेश 3-4 पानी से मैंने इसको धोया। उसके बाद जो है मैंने इसको एक बॉल में डाला बिल्कुल साफ़ सुथरे, क्योंकि पालक में भी मिट्टी होती है, आलू में भी मिट्टी होती है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग काइंडली इसको सही से वॉश करके फिर ही इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, तो इसके बाद मैंने इसके अंदर बेसन डाल दिया था, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए हो आप उतनी ले लीजिएगा। उसके बाद कुछ मसाले हैं जिसमें जो है साबुत धनिया था, नमक था, पिसा हुआ धनिया था, हल्दी
और कुटी लाल मिर्च, और उसके बाद जो है अजवाइन और सफ़ेद ज़ीरा। ये मसाले जो हैं आप, ये मेरे जो है यही मसाले आप लोग डाल के बनाइएगा, आपको पकौड़ा मिक्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। आप यही मसाले इसके अंदर डालिएगा, और अगर आप कसूरी मेथी डालना चाहें तो वो आप बिल्कुल डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल चाहे, उससे जो है टेस्ट जो है वो इन्हेंस होता है। लेकिन मुझे कसूरी मेथी नहीं अच्छी लगती इसलिए मैं नहीं यूज़ करती, आप लोग को अच्छी लगे तो आप लोग लाजमी यूज़ कीजिएगा। उसके बाद जो मैंने एक थिक बैटर इसका बना लिया था, अगर आपको लिक्विड बैटर चाहिए तो आप लोग लिक्विड बना लीजिएगा। उसके बाद मैंने जो है कुछ आलू वाले चिप्स जो होते हैं उसका भी मैंने सोचा कि बेसन इसका रेडी कर लेती हूँ। इसके अंदर भी मैंने हल्दी, लाल मिर्च और जो है नमक डाल दिया था, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया था। आलू के मैंने गोल स्लाइसेस काट लिए थे ताकि जो है इसके अंदर डिप कर करके मैं फ्राई कर लूँ। चने जो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके थे। अब जो है गैस की तो वैसे ही शॉर्टेज थी तो मैंने फटाफट से फ्राइंग करना शुरू कर दिया था, तो इस वजह से मैंने थोड़े 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 पकौड़े इस गर्म तेल में मैं छोड़ती जा रही थी ताकि फटाफट से ये गैस जाने से पहले जो है काम हो जाए। लेकिन फिर भी गैस एंड टाइम पे जा चुकी थी गाइस, मुझे बहुत परेशानी हुई है। आप लोग भी 4 बजे से ही फ्राइंग करना शुरू कर दिया करें, क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं होता, कभी 4:45 पे, आज तो मेरे ख्याल से 4:45 पे जा चुकी थी, इतनी मैं परेशान हुई हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये बस जितना आ रही थी और जा रही थी, आ रही थी और जा रही थी, ऐसे ही लगा रहा। तो ये है कि मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया था माशाल्लाह से। ये बहुत मैंने स्टार्टिंग यानी कि 3 बजे से ही मैंने फ़्राई करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे वीडियो क्लिप्स बनाने थे इसी वजह से। तो इस तरीके से जो है आप लोग ये देखें कितना खूबसूरत इसका पकोड़ों का कलर आया है। आप लोग भी सेम जब ऐसे पकोड़े रेडी हो जाएँ, कलर ऐसा आ जाए गोल्डन ब्राउन, तो फिर आप लोग जो है इसको निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं ये बहुत क्रंची पकोड़े बने थे। तो इसके बाद जो है मैंने वो आलू के जो मैंने गोल स्लाइसेस काटे हुए थे वो भी बैटर में डिप कर करके मैं फ्राई करने लग गई थी कि, और ना बहुत मज़े के ये गाइस पकोड़े और ये आलू वाले पकोड़े तैयार हुए थे। आप बेसन वाले पकोड़े भी बना सकते हैं इसी बैटर में। आप मिर्ची कट कर लीजिएगा, उसके बीज निकाल दीजिएगा, उसके अंदर आप आलू का जो है मटेरियल जो है बना के उसके अंदर डाल कर उसको भी इसी तरीके से डिप करके आप लोग फ्राई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पकौड़ों की जो है बताऊँगी, वराइटीज़ बताऊँगी। अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, मैं आप लोग के लिए और भी बेहतरीन डिशेज़ लेकर आऊँगी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ये देख सकते हैं गाइज मैंने बना लिया। अब मैं थोड़े से जो है मैंने मांडा पट्टी ले ली थी तो मैं इसके अंदर जो है थोड़ी सी बास्केट बनाने की कोशिश कर रही थी, तो बस थोड़ी बहुत सही बनी लेकिन बन गई ना। ये देखिए आप इसके अंदर इस तरीके से आप इसको बास्केट टाइप बना सकते हैं, बहुत अच्छी ये बनती है। इसके अंदर छोले जो है और छोले भी डाल सकते हैं इन बास्केट के अंदर। आप लोग कुछ और मटेरियल डालना चाहें, जैसे आप इसके अंदर जो है चीज़ भी डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बास्केट तैयार होती है। इसके साथ साथ मैंने जो है चटनी का सामान भी तैयार कर दिया था, तो मैंने धनिया पुदीना और पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसमें मैंने शामिल कर दिया था जूसर ब्लेंडर में। उसके बाद ये कुछ मसाले हैं जिसमें जो है अनारदाना है, गोल लाल मिर्च है, नमक है और ज़ीरा है सफ़ेद और काला नमक, ये भी जो है मैं इसमें डाल दूंगी। ये बहुत मज़े की चटनी तैयार होती है, इससे खाना भी डाइजेस्ट होता है, बहुत ही VIP चटनी है। पकोड़ों के साथ खाएं, चने चाट में डाल के खाएं, तो ये चटनी तैयार है। उसके बाद जो है मैंने कुछ रोल फ्राई कर लिए थे, और मैंने फटाफट से जो है अब मैंने मसाले जो है छोलों का जो है वो तैयार करना था। उसी ऑयल में जो है मैंने थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया था, क्योंकि गैस तो था ही नहीं तो ये ऑयल गर्म था। थोड़ी सी जो मैंने इसके अंदर 2 अदद प्याज काट लिए थे और थोड़ी सी हरी मिर्च थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी। चने बहुत मज़ेदार बने थे। आप ये मेरी रेसिपी लाजमी लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होती है। ये चने, इस चने को आप पापड़ी डाल के खाएं या चटनी डाल के खाएं, कुछ भी केचप वैचअप जो आपको अच्छा लगे आप खा सकते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ टमाटर डाल दिए थे, टमाटर डाल के अब मैं इसके अंदर कुछ स्पाइस शामिल करूंगी, जिसमें मैंने हल्दी, पिसा हुआ धनिया, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर टाटरी ली थी, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। टाटरी का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खट्टा खट्टा फ्लेवर आता है इसके अंदर। आप लोग को अगर डालनी हो तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसको बिल्कुल सही से मिक्स कर दूँगी, तमाम मसालों को एक जान कर दूँगी ताकि उसका अरोमा जो है इसके अंदर आए। बहुत टेस्टी ये चने बनते हैं, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जो है इसके अंदर मैं जो है धनिया और पुदीना मैंने बहुत अच्छे तरीके से
इसको धो के वॉश कर दिया था ताकि इसके अंदर से जो है मट्टी वट्टी सब निकल जाए। थोड़ी देर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया मसालों को, और उसके बाद इसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना ऐड कर दिया। अच्छे से धोइएगा, इसमें धनिया पुदीने में मट्टी बहुत होती है। तो इस अब तमाम मसाले को मैं अच्छी तरह के से मिक्स करूँगी, क्योंकि एंड पे मैं इसको कम से कम भी 15 मिनट के दम पे छोलों को जो है मैं वो छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर प्याज तमाम मसाला बिल्कुल सही से तैयार हो जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर चने डाल दिए। चने डालने के बाद इसको मैं अच्छे से जो है आपस में मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ये। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए जो है बिल्कुल स्लो आँच पर जो है मैं इसको दम पे रख दूंगी। आप लोग भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये रेसिपी बनाइएगा, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी बनाती है। उसके बाद जो है हम लोगों ने कुछ फ्रूट जो है वो काट लिए थे। फ्रूट भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं इस वक्त, तो अल्लाह ताला सबको फ्रूट खाना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने जो है तरबूज ले लिया था, और चीकू थे, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज थी, और थोड़े से कोई परेशानियों के दरिया में डूबा हुआ है। ए रब السماوات والارض अपनी परेशानियों से अपनी मुश्किलात से छुटकारा हासिल करने के लिए तेरी बारगाह में इस वक्त हाथों को करीम इफ्तार के इन लम्हात का सच्चा सबकी परेशानी अपने नबी अलैहि सलाम का सच्चा मुखलिस उम्मती बनने की तौफीक नसीब फरमा या रबी सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। जो बीमार है क्या हाशिर जिस बीमारी में है, जिनके वालदे अजीजों अकरबा जिनके बहन भाई और तेरे ही दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा बना हुआ है? बहुत गर्म मजा आया।